शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वर्धा जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने आखिरकार पंचायत समिति हिंगनघाट के विवादास्पद शिक्षा विस्तार अधिकारी सुभाष टाकरे के अवैध सेवाओं को जोड़ने और उनके वेतन की रक्षा करने के आदेश को आखिरकार रद्द कर दिया है। प्रशासन ने गलती को सुधार लिया है, लेकिन दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे पहले यह आरोप लगाया गया था कि सुभाष टाकरे की नियुक्ति अवैध थी। प्रशासन को गुमराह करने और अवैध तरीके से सेवाओं के जोड़ने का आपराधिक मामला दर्ज करने के लिए टाकरे के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, यह जानकारी अभी तक सामने नहीं आ पाई है। 1 जून 2020 को दायर की गई शिकायत के बाद शिक्षा विभाग ने 9 जून को सुनवाई का आयोजन किया और मामले को खारिज कर दिया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी के सामने इस मामले को रखा गया और 3 जुलाई को मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने एक आदेश जारी किया और पुराने आदेश को रद्द कर दिया है। हालांकि मामले की आपराधिक प्रकृति के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जो कि संदेह पैदा कर रही है। प्रशासन दोषी अधिकारी का संरक्षण क्यों कर रही है, ऐसा सवाल भी अब खड़ा हो रहा है। इस पूरे प्रकरण में कई बातें संदिग्ध है, जिनकी प्रशासनिक स्तर पर जांच नहीं की जा सकती, लेकिन अगर आपराधिक कार्रवाई की जाए तो कई बातें खुलकर सामने आ सकती है। हिंगनघाट से एनबीसी न्यूज के लिए रवि इनोरकर की रिपोर्ट। वर्धा अंतर्गत शिक्षण विभागामध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत आहे। या भ्रष्टाचाराची मी जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे तक्रार केली आहे। हिंगनघाट येथे कार्यरत असलेले श्री सुभाष टाकरे यांनी चुकीची सेवा दाखवून जिल्हा परिषदला लाखो रुपयांनी गंडा देण्याचा प्रयत्न केला। एवढेच नाही तर त्यांची शिक्षण विस्तार अधिकारी म्हणून नियुक्ती सुद्धा नियमबाह्य आहे आणि या संदर्भात माझ्याकडे जे कागदपत्र आहे या कागदपत्राच्या आधारे मी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केलेली आहे, पण अजूनपर्यंत या संदर्भात कोणतीही कारवाई झालेली नाही।